आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बंगाली राइस सेरेमनी कैसे मनाया जाता है। प्रोग्राम के पहले दिन शाम को बाजे के साथ गंगा निमंत्रण के लिए जाना पड़ता है और बाजे को धान और दुर्वा के साथ स्वागत करते हैं और ये काम सुहागने करती हैं और ये ऑड संख्या होती है 5 या 3 और ये गंगा निमंत्रण कर रही है मेरी दीदी और आंटी। धान दुर्वा बत्ती अगरबत्ती मिठैया ये सब देखिए माता जी को आमंत्रण करना पड़ता है। कल फिर से आके इधर से पानी लेके बच्चों को उस पानी से नहलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ होगी वृद्धि का काम, वंश जो वृद्धि होता है उसके लिए अलग से पूजा करना पड़ता है। ये करते हैं पिता के वंश के लोग। आगे की प्रोसेस है ये गेट की दोनों तरफ लगाना पड़ता है केले के पौधे और उसके नीचे बैठाना पड़ता है घट, उसमें होता है नारियल और आम के पत्ते और इसे कहते हैं बरुण कुला, जिसे धान बत्ती बताशे देके सजाना पड़ता है। एक पूजा में लगता है, चाहे वो घर की पूजा हो या नई दुल्हन गृह प्रवेश कर रही हो। जितने भी रिचुअल है वो सुबह तक हो जाती है और शाम को होती है पार्टी। एक शादी में जो जो रिचुअल होती है राइस सेरेमनी में करीब करीब वो सभी होती है। अभी होगा हल्दी पीसने का काम। इसमें 3 या 5 सुहागने बैठ के मिल के हल्दी कुटेंगे। इसमें जो मेन होता है उनके मुँह में एक पान होता है ताकि वो बात ना कर सके और वो बिल्कुल भी हंसते या बात नहीं करते ताकि मुंह से पान गिर ना जाए। और भी कोई कारण होगा, अगर दादी जिंदा होती तो बता पाती। और आंटी मुंह में पान दे रही हैं। अब तीनों बैठ गई हैं हल्दी पीसने। नहा धो के नए कपड़े पहन के ये काम करना पड़ता है। देखिए आंटी के मुँह में अभी तक पान है। मुझे जहाँ तक याद है हल्दी के साथ उन्होंने कुछ चावल भी पीसी थी, शायद पायसम के लिए। पायसम जिसे बंगला में पायस बोलते हैं। और ये दूसरी तरफ वृद्धि का काम हो रहा है और ये पूजा बहुत देर तक होता है। इसमें पंडित जी बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं और बहुत सारी चीज़ लेके भी जाते हैं। ये रहा बच्चे के नहाने का समय। गोलू मोलू आज बिल्कुल भी नहीं रोया, बहुत शांत और क्यूट बच्चा है। इसका नाम रखा है भाविक और घर का नाम है नील। हमारे घर में जितने भी बच्चे हुए, भाई के 2 दीदी के 1, सबके सब शांत और बहुत ही क्यूट हुआ था। मुझे एक बात का बहुत ही दुख हो रहा है कि सुबह का क्लिप तो मैंने ले लिया लेकिन शाम को समय जो प्रोग्राम हुआ था उसका वीडियो क्लिप एक भी नहीं है मेरे पास। शाम का प्रोग्राम भवन में हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था लेकिन फुटेज नहीं है। सब बहुत ही दुख हो रहा है। नहा धोना कम्प्लीट हो गया, अब चलेंगे घर को। ये हमारे आंगन थे और ये आंटी। कलकत्ता से आए थे 2-4 करीबे लोग। फिर मैं चली गई छत पे जहाँ पे खाना बन रहा है, दोपहर में क्या बनेगा ये देखने। मछली दाल बंद गोभी बैगन फ्राई चटनी ये सब जहाँ तक याद है मुझे। और वृद्धि होने के बाद गोलू मोलू का राइस खाने का टाइम और इस समय सब लोग अपने अपने गिफ्ट दे के आशीर्वाद करते हैं। गोलू मोलू को सोने का काफ़ी गिफ्ट मिला था क्योंकि जो रिलेटिव्स और करीबी लोग हैं सबके सब सोने का चीज़ दिया है। इस समय खाने के साथ साथ एक प्लेट में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेन किताबें मिट्टी ये सब। गोलू मोलू ने पहले पेन उठाया है। ये सब देख के हम सब बहुत ही खुश हुए। ये चारों तरफ बैठे हैं, सब बात कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हमारे घर में इतने खूबसूरत और प्यारा एक प्रोग्राम हुआ है। और ये शाम का क्लिप है जो कि बहुत ही कम है। स्टार्टर में थे आइसक्रीम चाट गोलगप्पे जलेबी कॉफ़ी आलू टिक्की, सबके सब बहुत ही एंजॉय किया। सब लोग मेन कोर्स का भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे, बोला खाना बहुत ही टेस्टी बना था। ये सब सुन के एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलता है जब लोग अच्छी तरह से खा सके। आजकल लोग कोई भी प्रोग्राम में इतना स्टार्टर रखते हैं कि स्टार्टर खा के ही पेट भर जाता है। जो भी हो, जब स्टार्टर नहीं होते थे लोग इतना मज़ा भी नहीं करते थे। आजकल स्टार्टर एक बिग अट्रैक्शन है, खास करके बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। इसके बाद मेहमानों से बात करने लग गई थी इसलिए कुछ खास उठा नहीं पाई। ये मैं मेन कोर्स खा रही हूँ रात को। पहले दिया नान पनीर भेज दाल आलू कदम झींगा मछली और क्या क्या पता नहीं भूल भी गई मैं। बहुत सारा डिश था, फिर मछली मटन। खाना काफ़ी टेस्टी बना था, सबके सब इतना खुश हुए। ये देख के हम सब का मन भर आया। आखिर में खाया चटनी आइसक्रीम मिठाइयाँ, फिर हम लोग गिफ्ट वगैरह समेट के घर आ गए।